हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिवली संवर्धन मदरसन स्टॉक के बारे में, और इसके साथ ही मदरसन सुमी स्टॉक को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके क्वार्टरली नंबर्स रहे हैं। संवर्धन मदरसन स्टॉक को देखेंगे तो पिछले 1 मंथ के मुझे ऐसे लग रहे हैं कि निगेटिव रिटर्न ही रहे होंगे, और यहाँ देखेंगे 4% माइनस ही है, लेकिन स्टॉक ने पिछले 1 ईयर में जो रिटर्न दिए हैं वो ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं, 41% के रिटर्न रहे हैं। और इस समय इंडिविजुअली न्यूज तो कुछ भी नहीं है, इसके जो क्वार्टरली नंबर्स भी हैं वो 9 अगस्त को, सॉरी 9 नवंबर को आते देखेंगे। यहाँ देखेंगे इसके जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो 9/11/2023 को डिक्लेयर होते देखेंगे, और 9 नवंबर को इसके क्वार्टरली नंबर्स आएंगे। इससे पहले के सभी कॉमनली न्यूज ही दिख रहा है। इसके अलावा इस समय देखेंगे तो कुछ बहुत बड़े न्यूज इस स्टॉक को लेकर के नहीं दिखेंगे, हालांकि एक्विजिशन जो है काफी कंपनी ने ग्लोबली करा है और फिच रेटिंग भी इसके अपग्रेड होते हुए दिखे थे। इसके अलावा टेक्निकली इस समय अंडर परफॉर्म है, पिछले लगभग 3 मंथ से देखें तो स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म है, और 98 के अपर लेवल ब्रेकआउट को जब तक नहीं दे तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेडर थोड़ा कौशन ही बरतेंगे। डिलीवरी इस स्टॉक की बेटर दिख रही है, और वो लंबे समय से हमने इस स्टॉक में जो डिलीवरी देखा वो 40-70% तक के डिलीवरी कंटिन्यूअस देखे हैं, और यहाँ सबूत आपके पास है। अब इसके चार्ट को देखें, इससे पहले मदरसन सुमी को देखेंगे क्योंकि उसके रिजल्ट आज आए हैं। मदरसन सुमी 1 साल से यहाँ देखेंगे गिरा भी उठा भी, लेकिन 1 साल का जो रिटर्न है वो पूरा फ्लैट है, फ्लैट 1.71% का रिटर्न है पिछले 1 साल से। और यहाँ इस स्टॉक में 1 मंथ में थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा है, 6% स्टॉक पिछले 1 मंथ में करेक्ट हुआ है। एक बार इस स्टॉक के क्वार्टरली नंबर्स को देखेंगे, और यहाँ देखें तो नंबर्स आपके सामने है, और इस नंबर्स में जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नंबर्स रहे थे कंपनी के, जो प्रॉफिट रहे थे वो 116 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर करे थे। इसके कंपेरेटिवली जो प्रॉफिट है 116 से 155 करोड़ हो गया, यानी लगभग 34% के इंक्रीमेंट प्रॉफिट में देखने को मिले। इसके अलावा जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू में भी 15% की उछाल दिखी है। इबिटा देखेंगे तो इबिटा भी बेटर रहा है लगभग 37%, और इबिटा मार्जिन में भी काफ़ी बेहतर उछाल दिखा। तो यहाँ देखेंगे नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, इबिटा और इबिटा मार्जिन सभी पॉइंट्स पे रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहे हैं। इसके अलावा अगर इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे इस समय तो जो टेक्निकल ट्रेंड है वो इस स्टॉक में भी सेम एज इट इज देखें तो पिछले 3 मंथ से स्टॉक जो है वो निगेटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। यहाँ देखेंगे तो पिछले 3 मंथ से जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। इससे पहले जो रिटर्न रहे हैं यहाँ देखेंगे, इससे पहले का जो रिटर्न रहा है वो रिटर्न बेटर रहा है। पिछले 3 मंथ से स्टॉक निगेटिव ट्रेंड में तो दिख ही रहा है, लेकिन 6 मंथ के जो रिटर्न रहे हैं वो 11% तक के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। और बात करें अगर इस स्टॉक की डिलीवरी की तो डिलीवरी अभी भी इस स्टॉक में देखेंगे तो बेटर डिलीवरी दिख रहा है। एक बार दोनों स्टॉक के चार्ट को समझ, पहले मदरसन सुमी के चार्ट को लेंगे, और इस स्टॉक के रिजल्ट कब हैं, इस स्टॉक के रिजल्ट आपको मैं बता दूं वो है 9 नवंबर को, ठीक है 9 नवंबर को क्वार्टरली। इस समय गिर रहा है, रिट्रेस करा, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट रहा। इस समय इस स्टॉक में जो बेस्ट बाइंग जोन होगा वो क्या होगा, बेस्ट बाइंग जोन इस स्टॉक में ये लेवल देख लें 70 से लेकर के 90 के बीच में, धीरे धीरे इस स्टॉक को एक्युमुलेट करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर 100 के ऊपर के ब्रेकआउट पे जाएंगे, 130, 160 और 200 तक के लेवल्स दिख रहे हैं, और मैंने हिस्टोरिकली इसके टारगेट भी दिखाए हैं। मदरसन सुमी वायरिंग के जो चार्ट हैं इसकी वोलेटिलिटी काफी रही है। यहाँ देखेंगे लास्ट टाइम स्टॉक ने ट्रेड में 50% के प्रॉफिट दिखाए, फिर यहाँ से करेक्शन रहा तो 32% के गिरावट दिखाए, फिर स्टॉक में ट्रेंड रहा तो 50% के प्रॉफिट दिखा है। तो ये स्टॉक जो है काफी ट्रेंडिंग स्टॉक है, आइदर अपर साइड और आइदर लोअर साइड दोनों ही ट्रेंड काफी फेवरेबल दिखे हैं। मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा इस स्टॉक में कौशन बरते हैं, और मुझे अगेन लगता है कि यहाँ देखेंगे जब भी स्टॉक में एक यहाँ से करेक्शन रहा ट्रेंड बढ़ा रहा है, करेक्शन छोटा ट्रेंड बढ़ा, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अगर लेवल्स की बात करें तो ये जो लेवल है यहाँ से देखेंगे 52 से लेकर के 60 के बीच में इस स्टॉक को धीरे धीरे एकुमुलेट करें, इस बीच में धीरे धीरे एकुमुलेट करें, वन साइडेड नहीं जाएंगे। और सिंपल टारगेट एनालिसिस के माध्यम से जो लेवल्स आ रहे हैं ये जो टारगेट है इसको ही यहाँ से चिपका देंगे, यहाँ से चिपका देंगे,
और मुझे ऐसे लगता है कि 92 और 100 तक का लेवल नेक्स्ट वन ईयर में 92-100 तक का लेवल इजिली दिख सकता है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल इग्नोर करेंगे, मिनिमम 60।